सबसे ज़्यादा हमारी पैसे वाली ब्रांच, मतलब जिसमें कि प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट भी बढ़िया होता है उसके अलावा, लेकिन कट ऑफ जो होता है वो हमारा बहुत हाई जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं CS, कहीं कहीं इसको CSE बोला जाता है, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो हमारे सारे ब्रांच का सेम होता है। हम बात करें हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, हमारा DBMS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेटा माइनिंग होता है और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना होता है। अगर आपको डिटेल में सिलेबस जाना है तो आपको बस गूगल पे जाके सर्च करना है, ठीक है, यू विल गेट द सोल्यूशन। इसके अलावा आपके कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो आप देख सकते हो स्क्रीन, और इसी से मिलता जुलता एक ब्रांच है जिसका नाम है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यार ये और CS लगभग सेम ही होते हैं, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इसमें ये होता है, IT में ना कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें से एक है आपका बिग डेटा एनालिसिस, और मोस्टली जो आपकी कंपनीज जो CS के लिए आती है वो हमारे IT के बच्चों को भी अलाउ करती हैं, सो नो नीड टू वरी। अगर आपको CSR या IT Tier 1 कॉलेज में मिल रहा है तो आपके घर पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा।